ਸ਼ਿਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਤਿਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਿਤਿਕ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ। ਫਾਈਨਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਿਤਿਕ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਰਿਤਿਕ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਜੰਮੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕਸ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? एक्चुअली फ्रेंड के थ्रू पता लगा था मेरे को, उसने भी उन्होंने भी यहाँ से ही वीज़ा लगाया था। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने तो रेफरेंस है, मतलब ऐसे ही और भी स्टूडेंट जो अब आएंगे वो आपके रेफरेंस के थ्रू आएंगे अब। सो दैट्स ग्रेट। और मैं थोड़ी सी प्रोफाइल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे प्रोफाइल है आपका, इंडियन में क्या क्वालिफिकेशन आपकी, आईएलटीएस स्कोर? माय आईएलटीएस स्कोर 6.5 बैंड्स, एकेडमिक स्कोर इन 12th इज 60%। दैट्स ग्रेट। सो अब कौन से इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं आगे फर्दर? फर्दर स्कैचवन। Saskatchewan Polytechnic। और प्रोग्राम कौन सा है आपका? बिजनेस डिप्लोमा प्रोग्राम। Saskatchewan प्रोविंस इज रियली गुड प्रोविंस, PR के लिए इजी है, PR जो पॉइंट्स हैं इट्स वेरी इजी, ओनली 960 आवर्स आपको एक्सपीरियंस चाहिए जिससे आप जो प्रस्यू कर सकते हैं अपनी PR की फाइल को। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइल मेरे को लगता है जब बड़ी जल्दी PR हो जाती है Saskatchewan में। इट्स Saskatchewan पॉलिटेक्निक इज ए वेरी गुड इंस्टीट्यूट। और आपका एक्सपीरियंस लैंडमार्क के साथ कैसा रहा? It's good, it's very good। कितने टाइम में वीजा मिला, मतलब कितना टाइम लग गया पूरा ओवरऑल प्रोसेस में? ओवरऑल 8 months। 8 months? Yes, due to COVID। कोविड के जरिए, बिल्कुल 2020 में कोविड के जरिए ऑलमोस्ट 8 months उसके वेस्ट ही हो गए हैं ऑलमोस्ट, इसलिए स्टूडेंट को आजकल बहुत टाइम लगा हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच रितिक, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर इन कैनेडा। थैंक यू।